मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने निकले किसानों का दिल्ली चलो प्रोटेस्ट अब 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। इस बात की घोषणा पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रमुख किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि खनौरी में हुई घटना पर चर्चा होगी, दिल्ली की ओर हमारे मार्च में 2 दिन का ठहराव है। सरवन ने आगे कहा कि हम पूरी स्थिति को बाद में स्पष्ट करेंगे कि हमारा आगे का क्या आंदोलन क्या होगा। यात्रा में ठहराव के दौरान हजारों किसान दोनों सीमाओं पर रुके रहेंगे। गौरतलब है कि किसानों की तरफ से ये घोषणा केंद्र द्वारा चर्चा के एक और दौर की अपील के बाद आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान देश भर में है, कोई भी पॉलिसी बनाते समय पूरे देश के किसानों के हित को ध्यान में रखना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आने वाले दिनों में उनकी चिंताओं को हल करने की दिशा में काम करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार से चौथे दौर की बातचीत भी पूरी तरह से नाकाम होने के बाद बुधवार को किसान संगठनों ने दिल्ली चलो प्रोटेस्ट को किसान संगठनों ने फिर से शुरू कर दिया। 3 केंद्रीय मंत्रियों वाली सरकारी समिति ने किसानों के साथ अनुबंध करने के बाद 5 साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इससे पहले भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों को रोके जाने पर बुधवार को कहा कि अगर सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं तो चुनाव में किसान भी उन्हें गांव में नहीं आने देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ में भाकियू की ओर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया था। वही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट पर भी 2 दिन के लिए और ज्यादा पाबंदी बढ़ा दी है। गृह विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में 23 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS भेजने पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं दूसरी ओर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली कूच को टाल दिया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कल सभी यूनियन नेताओं के साथ गुरुवार को चर्चा होगी और उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। तब तक के लिए सभी किसानों को बॉर्डर से दूरी बनाने की उन्होंने अपील की है। अब देखना यह होगा कि कल जब यूनियन की बैठक होती है तो किस तरह की रणनीति किसान बनाते हैं, क्या 5वें दौर की जो बैठक होनी है उस पर सहमति किसानों और सरकार की बनेगी या दिल्ली कूच का जो आंदोलन है दिल्ली चलो का वो एक बड़ा रूप लेगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।